शाम का टाइम था और सबको कुछ चटपटा और स्पाइसी खाने का मन कर रहा था, तो मेरी नजर घर में रखे अंडों पर पड़ी। तो मैंने सोचा चलो इस अंडे को ही क्यों ना नए तरीके से ट्राई किया जाए। तो मैंने ले लिए अंडे और उसे बॉईल करने के लिए रख दिया। 10 मिनट अंडे को बॉईल किया और जब ये ठंडा हो गया तो इस तरह से आसानी से छिल गया। तो अंडे हमारे छिल चुके हैं, तो अब हम क्या करेंगे, ले लेंगे थोड़ा सा नमक और इसके ऊपर डालेंगे, उसके बाद थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे और उसके बाद हम इस पे डाल देंगे कॉर्नफ्लोर। तो कॉर्नफ्लोर की क्वांटिटी आप अंडे के हिसाब से डाल सकते हैं, आप चाहें तो आधा कॉर्नफ्लोर और आधा मैदे का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हल्का सा पानी छिड़केंगे जिससे ये जो कॉर्नफ्लोर है ना अच्छे से अंडे में चिपक जाए। तो अंडा बहुत चिकना होता है इसलिए कॉर्नफ्लोर को चिपकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो थोड़ा सा गीला करके चिपकाएंगे तो थोड़ा कोट करना है, बहुत ज़्यादा इसे हमें कोट भी नहीं करना, हल्का हल्का कोट हो जाएगा तब भी अंडा हमारा क्रिस्पी हो जाएगा। फिर हम थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसे हम लो फ्लेम पर अच्छा सा क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। तो बाहर वाली लेयर ना कॉर्नफ्लोर लग गया है तो इसलिए वो अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगा। तो लो फ्लेम पर मैंने अंडे को छोड़ दिया है क्रिस्पी होने के लिए। तब तक हम ले लेंगे प्याज और शिमला मिर्च और इसे हम थोड़े से बड़े बड़े पीसेस में कट कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा छोटा पीस नहीं करना है और इस तरह से हम पीसेस में कटने के बाद ना तो प्याज के लच्छे जो है ना सारे क्यूब्स अलग अलग कर लेंगे इस तरह से, तो बहुत आसानी से ये अलग हो जाता है। इस तरह से बड़े बड़े पीस काट लेंगे। अब हम लेंगे 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर और इसे पानी में घोल लेंगे। तो बस क्वांटिटी आप अपने हिसाब से इसकी कम ज्यादा कर सकते हैं। तो ये देखिए अंडा भी हमारा अच्छे से क्रिस्पी हो गया है, बाहर वाली लेयर बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो गया है। तो बस इतना ही करना है। तो मैं इसने आप चाहे तो इतना अंडे को डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन उसे डीप फ्राई नहीं करेंगे तो ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है। तो उसके बाद मैंने फिर से तेल गरम किया, उसमें डाल दिया ढेर सारी बारीक कटी लहसुन अदरक और उसे फ्राई करने के बाद हरी मिर्च और प्याज और शिमला मिर्च जो हमने काट के रखा था वो डाल देंगे। बस इसे हम 20 से 30 सेकंड के लिए हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच विनेगर और टोमेटो केचप, सोया सॉस। अब सॉस की क्वांटिटी ना अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो मैंने बहुत थोड़ा थोड़ा डाला है। उसके बाद जो हमने कॉर्नफ्लोर का घोल बनाया था वो डाल देंगे। तो बस इसे हम मिक्स करेंगे। उसके बाद आधा छोटा चम्मच हम इसमें ऑरिगेनो, आधा छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स और उसके बाद हम इसमें अंडे डाल देंगे और हाई फ्लेम पर अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे कुछ सेकेंड के लिए। बस हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे ना तो इस बहुत अच्छा स्मोकी फ्लेवर आता है। उसके बाद हम इसमें सफ़ेद वाला तिल और आप चाहें तो इसमें हरा प्याज जो आता है उसे गार्निश कर दीजिए। मेरे पास नहीं था तो मैंने धनिया की पत्ती से गार्निश किया और उसके बाद थोड़ा सा मैंने काली मिर्च का पाउडर डालना भूल गई थी, मैंने रखा था डालने के लिए, लेकिन ना कई बार कई सारी चीज़ें दिमाग से उतर जाती तो फिर फटाफट डाल के मैंने मिलाया। और ये देखिए हमारी स्पाइसी एग चिली बनके तैयार है। तो अगर आपको भी कुछ चटपटा और स्पाइसी खाना है ना तो इस एग चिली को जरूर ट्राई कीजिएगा। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो इसे एक बार जरूर ट्राई करिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। और कैसी लगी रेसिपी कमेंट करके बताइएगा। मैं मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।